शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता हुआ यह विद्यालय या यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की जान विभाग अधिकारियों के लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं। एक तरफ जहाँ सूबे के मुखिया नीतीश कुमार बेहतर शिक्षा की बात करते हैं नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ जर्जर भवन व इसमें पढ़ने वाले बच्चे इस बात के गवाह हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितना बेहतर साबित हो रहे हैं। विद्यालय में बच्चों जर्जर भवन में भयभीत होकर पढ़ने को विवश हैं। भवन की हालत इतनी दयनीय है कि कभी भी ध्वस्त हो सकता है और किसी भी समय बड़ी अनहोनी होने का संभावना है। इन्हीं टूटी कमरों में बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। भवन की जर्जर स्थिति से बच्चे के अभिभावक भी किसी अनहोनी से भयभीत रहते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार ने स्कूल तो खोल दिया, लेकिन भवन का रिपेयरिंग और मरम्मत नहीं किया। पुराने जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं यहाँ के बच्चे। घटने की आशंका बनी रहती है। गांव के लोग गुणवत्ता शिक्षा पर बेमानी रखती है। स्कूल में जल है और मेरे किताब भीग जाता है, पानी टपकता है जगह जगह से, हम लोग का सिर फट जाता है और मेरे स्कूल में कुछ भी नहीं होता है कार्रवाई, और मेरे कलम कॉपी और जो है सब भीग जाता है, और ऊपर से कपड़े गिरते मेरे सर फट जाता है। अच्छा, कोई देखने आया था ये सब? नहीं आया था, पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। कब से है ये परेशानी? ये बहुत 2-3 साल से हुआ है, ये सब कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। और क्या दिक्कत है? अभी हम लोग का जो स्कूल है उसमें सब बेंच टूटा है, बैठने के लिए जगह नहीं मिलता, हम लोग बाहर में बैठते हैं, क्लास में जगह नहीं रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा जाहिदा खत। बहुत खराब हो गया सर, कभी भी बच्चे पर टूट कर गिर सकता है सर, कपार काम कर सकता है सर, आदमी बच्चे मर भी सकते हैं सर, बारिश पड़ता है तो सब इधर उधर भाग सर छूने लगता है सब। सर ये बहुत दिन से पूरा खराब हो गया है विद्यालय। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये विद्यालय बन जाए और बहुत अच्छा लगे और बच्चों को भी पढ़ने में यहाँ पर मन लगेगा, विद्यालय बन जाएगा तो। इसके बारे में किसी से कहे थे सर? बहुत बच्चे सर से कहे थे, फिर भी सर बनवाने के लिए बहुत आदमी को बुलाया, फिर भी कोई नहीं बनाया। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 6। गांधी जी का बस यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना, शिक्षा जीवन का प्रकाश है आदि नारे स्कूल की दीवारों पर लिखे, ताकि बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागृति आए। ऐसा नहीं हुआ भी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गांधी जी के सपनों को पूरा करने व शिक्षा का महत्व को समझाने के लिए छात्र छात्राएं अपना जीवन दांव पर लगा दें? छात्र छात्राओं की उपस्थिति सरकारी स्कूलों में बढ़ी है, लेकिन सरकार की लचर व्यवस्था व विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि 2 वर्ष बीत गए लेकिन आज तक इस विद्यालय की मरम्मत नहीं हो सकी। ऐसो आराम से शान शौकत वाला हो गया है ना, उसका जीवन शान शौकत वाला हो गया है। उनको बारिश होता है तो पढ़ने में परेशानी होती है और बैठने में भी बेंच भींग जाता है और मेरा बुक भी भींग जाता है, किताब भींग जाता है और हम लोग को पढ़ने में नहीं बनता है, इस पे से मट्टी गिरता है भींग कर बारिश के दिनों में, और हम लोग नहीं अच्छा से पढ़ पाते हैं और सर को मजबूरी में छुट्टी देना पड़ता है। कोई आया है देखने के लिए? सब यहाँ पर देखने के लिए 3-4 बार सर लोग आए और देख कर खाली चले गए, कुछ नहीं किए। अच्छा, क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं कि पढ़कर कुछ अच्छा इंसान बने और कुछ बन देश का नाम रोशन करें। और जब गिर जाएगा हमारा जान ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रोशन कर पाएंगे देश का नाम, इसीलिए हम चाहते हैं ये बने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। कौन क्लास में है? क्या परेशानी है? हम लोग के स्कूल में बारिश होता है तो पूरा भींग जाते हैं, हम लोग के सर पर पूरा चुता है पानी, किताब कॉपी सब भींग जाता है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम लोग के स्कूल में पूरा बेंच सब भींग जाता है, किताब कॉपी सब चीज़ भींग जाता है। हम लोग पढ़ने चाहते हैं, हम लोग पढ़ कर कुछ बनना चाहते हैं, सरकार हमारी स्कूल बना दे बहुत अच्छा होगा, हम लोग पढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। और क्या दिक्कत है? हम लोग कोई आया है देखने के लिए? आया था यस सर, को आए पर देख कर चले गए। अच्छा, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। कब से ये सब है अभी तक परेशानी? दो तीन साल से हो रहा है सर। और सर, और क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। कौन से क्लास में है? 8 क्लास। इस छोटे से कमरे में बैठे भविष्य संवार रहे कल के भविष्य के सर के ऊपर ही काल मंडरा रहा है, कब किसके सिर पर गिर जाए कोई नहीं जानता। अब देखिए जरा विद्यालय के कमरों की हालात, क्लासरूम में बेंच नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठे हैं, शिक्षिका पढ़ा रही हैं। इन बच्चों के चेहरे पर डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इन मासूम बच्चे जो पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जरा आप भी सुने। बिहार में शिक्षा का हकीकत का फसाना यही है कि बस कागजों में सब कुछ सही होना चाहिए। शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाओ, स्कूल में MDM बनाओ, ड्रेस दो लेकिन बैठने के लिए सही भवन मत दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार या तंत्र दोषी है, इसमें बच्चों के अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। बिहार में MDM में गड़बड़ी, पोशाक राशि, साइकिल राशि, छात्रवृत्ति राशि, भवन निर्माण आदि में तो लापरवाही होने पर अभिभावक सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन इस जर्जर भवन के मरम्मती के लिए कोई आज तक आवाज नहीं उठाता। ऐसे परिस्थिति में इन स्कूल के साथ सरकार को भी अन्याय कर रही है, उसके अभिभावकों को भी मौन स्वीकृति को कम दोषी नहीं माना जाएगा। जर्जर हो चुका है, छपड़ा खप्पड़ नुमा है और टूटा हुआ है, बच्चे काफी परेशान रहते हैं सर, कब तक बंद नहीं कर पाएगा? अभी हम आए ही हैं और बाकी सारे पदाधिकारियों का स्थानांतरण हो चुका है, नए लोग योगदान किए हैं, अभी कार्यभार आवंटित हो रहा है। जैसे ही उस महकमा को देखने वाले पदाधिकारी को कार्य आवंटित होगा, उनको भेजा जाएगा और उनसे इस संबंध में यथोचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। कब तक आसार लग रहा है? यथाशीघ्र, जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होता है या जैसे ही भेजकर क्या क्या करना पड़ेगा, क्या स्थिति है उसकी, उसके मुताबिक निर्णय लिया जाएगा।